बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन। दोस्तों, जिस पर तक की पुनी फ्रेश अपडेट्स है वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ ओमान के महकमा मौसमियात के हवाले से। जैसे आप लोग जानते हैं कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म मौजूद है, समुद्री तूफान मौजूद है बहीरा अरब के अंदर। तो इस हवाले से आप लोग देख सकते हैं दोबारा से स्टेट में शाया की गई ओमान के महकमा मौसमियात की तरफ से। जैसे पहले ओमान की सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ की तरफ से बताया गया था कि आप लोग वक्ता फ़वक्ता न्यूज़ पैनल देखें तो इसके अंदर बताया जाता है कि इसकी वजह से दीगर हिस्सों के ऊपर बारिश हो सकती है सैली पट्टियों के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं बताया जाता है कि साउथ अल शिरकिया, अलवस्ता गवर्नमेंट और दफार और इसके आसपास के जो इलाके हैं इनके अंदर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है इन्हीं की बादलों की वजह से। मजीद बताया जाता है कि इनमें लहरें वगैरह उठ सकती है 3 से 4 मीटर तक की। तो आप लोग अपनी एहतियाती तदाबीर करें, समंदर के किनारे ना जाएँ, अपनी बहुत ज़्यादा देखभाल करें समुद्री इलाकों के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं। इसके अलावा मजीद कहा जाता है कि आप लोग वक्ता फ़वक्ता ओमान का न्यूज़ पैनल देखते रहे ताकि आप लोग अपनी एहतियाती तदाबीर कर सके। तो अल्लाह ताला सही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला खैर का रहमत का मौसम रहे सल्तनत ओमान के पूरे दुनिया जमाने के अंदर, आमीन इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बात करते हैं कुछ आरओपी की स्टेटमेंट के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं आरओपी की तरफ से स्टेटमेंट शाया की गई, इसके मुताबिक तस्दीक की गई है कि एक खातून को दोबारा गिरफ्तार किया गया जो कि अपने घर वालों के अंदर अपने रिलेटिव्स के ऊपर हमला करी थी चाकू के साथ, हथियार के साथ, इस तरह बताया जाता है। आप लोग देख सकते हैं आरोपी की तरफ से बताया जाता है इसको पकड़ा, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसने खुद को भी नुकसान पहुँचाया ये भी इसमें तस्दीक की गई है। मजीद आरोपी की तरफ से बताया जाता है कि इस महीने के अंदर अंदर 3 इस तरह के वाकयात हुए कि 2 खातून का कत्ल हुए ओमानी सिटीजन की तरफ से और 1 आज इस तरह खातून को पकड़ा है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला खैर रखे पूरी दुनिया जमाने के अंदर, इस तरह के अफाज से तमाम लोगों को बचाए और शैतान से दूर रखे। अब आप लोग को एक खास खबर से आगाह करेंगे। आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट शाया की गई है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये तस्दीक की गई है ओमान की सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी की तरफ से कि 60 मिलियन साल पुराना एक गड़ानुमा प्याला दरियाफ्त हुआ सल्तनत ऑफ ओमान की वलायत महूद से। आप लोग देख सकते हैं तस्दीक की गई है इसके मुताबिक कि महूद के अंदर इस तरह का एक प्याला नुमा एक गड़ा इस तरह दरियाफ्त हुआ जो कि 60 मिलियन साल पुराना बताया जाता है। ओमान के सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी की तरफ से तहकीकात की गई है उसके मुताबिक कि ये इस तरह दरियाफ्त हुआ है। इसके वाले से बताया जाता है कि इसकी जो आसपास की जो चट्टानें हैं पत्थर हैं वो इस तरह खास है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज़ब करता है, यानी कि पत्थर जो है इसका बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और बताया जाता है कि 1 साल के अंदर तकरीबन 100,000 टन यानी कि 1,00,000 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जज़ब करता है। तो ये पत्थर दुनिया के अंदर बहुत खास है और इस तरह एक गड़ानुमा मिला, पूरी दुनिया की नज़रें अब इसके ऊपर पड़ जाएंगी और ये सल्तनत ओमान के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प और उनके टूरिज़्म के लिए बहुत खास एक खबर है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला खैर रखे इस दुनिया जमाने के अंदर, आमीन इंशाल्लाह। अब एक अनाउंसमेंट करेंगे, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक पासपोर्ट मौजूद है, हमारे पाकिस्तानी किसी भाई का पासपोर्ट है जिसका नाम है इस पास के ऊपर शहजाद अरफान। शहजाद अरफान नामी भाई ये नया आया, तकरीबन 30 नवंबर को पहुंचा है, इसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, ये हमें मिला दफार गवर्नमेंट के अंदर। किसी भी शख्स का हो या कोई इसके बारे में जानता हो, ये नया बंदा आया, तस्वीर भी आप लोग देख सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर मौजूद है एक बंदे का, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टेक्ट कर ये अपना पासपोर्ट हासिल करने मौजूद है, शहजाद अहमद नाम का, तस्वीर भी मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइन शेयर करें, बंदा बहुत ज़्यादा परेशान होगा कहीं क्योंकि नया बंदा आया और अतराब के अंदर मुझे शक पड़ता है कि अपनी जेब के अंदर इन्हें रखा होगा, पताका नहीं बना होगा कि कहीं कोई पूछ ले तो मैं पासपोर्ट दिखा दूँ कि भाई मैं नया आया। तो ये पासपोर्ट मौजूद है, लाजमी उस शख्स तक पहुँचाएँ। तो यही तमाम इस वक्त की अपडेट्स, और आप फजल अजीम को दीजिए इजाजत, हंसते बसते रहे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।